हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एमएनसी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरीके से आप अप्लाई करोगे कि आपको डेफिनेटली कॉल आने के 100% चांसेज है। सो इस वीडियो को कंप्लीट तक जरूर देखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें का एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो कंप्लीट जरूर देखना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज रिकॉर्ड करूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आप एमएनसीज में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जॉब अप्लाई करने के लिए। देखो, दो तरीका है एमएनसीज में जॉब अप्लाई करने के लिए। पहला ये तरीका है कि आप खुद से जाओ कंपनी के पोर्टल पे, अपनी वहां पे प्रोफाइल बनाओ और अपने रिज्यूम अपलोड करो, दैट्स इट। इसमें क्या है, इसमें बहुत लेस चांसेस है आपके पास कॉल आने के, बिकॉज मल्टीपल मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं या मल्टीपल प्रोफेशनल्स होते हैं जो डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल पे जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सेकेंड बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप किसी ऑलरेडी वर्किंग पर्सन जो इस पार्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय है वहाँ का, आप उसको रिक्वेस्ट करो कि वो आपका रिज्यूम अपने कंपनी पोर्टल पे अपलोड करे। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, जब इंटरनल एम्प्लॉय आपके रिज्यूम को रेफर करेगा तो इंटरनल रेफरेंस का बेनिफिट मिलता है और इस केस में 70-80% चांसेज है कि आपके पास डेफिनेटली कॉल आएंगे और ये कॉल एक ही बार आता है। ऐसा नहीं कि अगर आप कॉल उठाओगे नहीं तो आपको दोबारा एचआर कॉल करेगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जेनपैक्ट का। जेनपैक्ट में अप्रोक्स मैंने 30-40 स्टूडेंट्स के मैंने रिज्यूम अपलोड किए थे, जिसमें से 10-15 के पास कॉल आए थे, डेफिनेटली उनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ था। और उसमें से हुआ क्या कि जिनके पास कॉल आया या तो कभी वो बाहर थे या फिर कोई कुछ और कर रहा था, जिसके वजह से उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और फिर जब उन्होंने एचआर को कॉल किया तो फिर एचआर ने कॉल नहीं उठाया। और एक बार आप एचआर को रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो दोबारा वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ये फिक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल बनाना है या लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल ऐप आप यूज कर रहे हो वहाँ पे जाओ, आप प्रोफेशनल से आप कनेक्ट करो जो उस कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग है, एंड उनसे आप रिक्वेस्ट करो कि वो आपके रिज्यूम उनके प्रोफाइल पे अपलोड कर दे कंपनी के पोर्टल पे। सो इससे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको भी एक बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय रेफरल बोनस का। यस, जो भी एम्प्लॉय है अगर वो किसी भी कैंडिडेट को रेफर करता है और उस कैंडिडेट का सिलेक्शन उस कंपनी में होता है तो 6,000 से लेके 70,000 तक का रेफरल बोनस मिलता है। अगर मैं जेनपैक्ट की बात करूँ तो जेनपैक्ट में 3 रेफरल बोनस थे, 6,000 मुझे 6,000 पर कैंडिडेट मिला था, 6,000 × 3 मेरे को 18,000 का रेफरल बोनस मिला था। अगर मैं एसेंचर की बात करूँ तो एसेंचर में 8,000 रेफरल बोनस पर कैंडिडेट है मिनिमम, और मैक्सिमम 70-75,000 है। सो हर एक कंपनी का रेफरल बोनस का अमाउंट एक अलग अलग हो सकता है। सो वो अगर आपको रेफर करते हैं तो उनके उनको भी एक बेनिफिट है कि उन्हें एक रेफरल बोनस का अमाउंट मिलेगा और आपको बेनिफिट है कि आपको जॉब लग जाएगी। सो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप खुद से कभी भी कंपनी के पोर्टल पर जाकर प्रोफाइल मत बनाओ, किसी फ्रेंड से सजेशन लो एंड आप उनको रिक्वेस्ट करो कि वो आपके रिज्यूम को अपने कंपनी पोर्टल पे अपलोड करे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूले और कमेंट करके बताओ अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।